बिग बॉस सीजन 16 के रविवार के एपिसोड में मजेदार ट्विस्ट देखने को मिले। ऐसा देखकर लग रहा है कि जैसे बिग बॉस का असली रंग घर वालों पर अब चढ़ने लगा है। बिग बॉस के घर में लड़ाई झगड़े रोने धोने के बाद अब फेक लव स्टोरी भी बननी शुरू हो गई है। बिग बॉस सीजन 16 के बीते एपिसोड में सौंदर्या शर्मा शालीन भनोट को किस करते हुए नजर आती हैं। रविवार को दिखाए गए एपिसोड में हम सभी ने देखा कि सौंदर्या शर्मा ट्रेडमिल पर चलती हुई दिखाई देती हैं। इस दौरान शालीन भनोट जिम में अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे होते हैं। यहां पर टीना दत्ता ने सौंदर्या शर्मा और शालीन से फेक प्यार दिखाने के लिए कहा ताकि सुंबुल तौकीर खान को जला सकें। सुंबुल तौकीर खान के सामने सौंदर्या शर्मा ने शालीन भनोट के गाल पर किस कर दिया। टीना दत्ता का ये पासा उस समय पलट गया जब गौतम विग ने सौंदर्या शर्मा और शालीन भनोट को किस करते हुए देख लिया। जहां एक तरफ सुंबुल तौकीर खान को इमोशनल होते हुए देखा गया, वहीं दूसरी तरफ गौतम का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। गौतम ने बिना देर किए शालीन भनोट से लड़ाई करना शुरू कर दिया। शालीन भनोट ने दावा किया कि उनका और सौंदर्या शर्मा का कोई भी गंभीर रिश्ता नहीं है, दोनों बस टीना दत्ता के कहने पर मजाक कर रहे थे। सौंदर्या शर्मा ने भी गौतम को यही बताया। इसी बीच टीना दत्ता भी गौतम विग और शालीन भनोट के पास पहुंच गईं। शालीन भनोट ने बिना देर किए सारा इल्जाम टीना दत्ता पर कर दिया, जिसके बाद टीना दत्ता और शालीन भनोट के बीच तीखी बहस देखने को मिली। बिग बॉस के घर में आए गौतम विग पहले ही दिन से सौंदर्या शर्मा के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में शालीन भनोट का बीच में आना गौतम विग को रास नहीं आया। तभी तो एक किस के बाद घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए हैं। फिलहाल देखते हैं कि ये लव स्टोरी का एंगल किसके साथ जुड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।